हारने के डर के चलते खुद ही मानी है खामी। मैं लोकसभा के काबिल नहीं था। जिन्हें चुना था बड़े बदलाव के लिए, सुनिए उन सांसद जी की नाकामी। जी हाँ, हरियाणा में भिवानी के बीजेपी एमपी धर्मवीर सिंह अपने विफल कार्यकाल पर पर्दा डालने के लिए जनता के सामने तरह तरह की सफाई पेश करने में लगे। धर्मवीर सिंह ने कहा है कि अब उनके मन में सांसद बनने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। पहले विधायक रहते समय टेलीफोन पर ही काम हो जाते थे, अब काम करवाने के लिए फाइल उठाकर क्लर्क की तरह भागना पड़ता है, इसलिए उनका अब एमपी बनने का कतई मन नहीं है। मैं लोकसभा के लिए पहले भी कह चुका हूँ कि मैं लोकसभा के काबिल नहीं, ये मान के। उन्होंने ये बात खुद कबूल की कि वो इन 5 सालों में जो काम कर सकते थे वह नहीं कर पाए, और साथ ही कहा कि मैं लोगों पर बिना बात के बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कम से कम सभी लोगों के काम जो मेरे मन में थी, जब मैं वो नहीं कर पाया तो मैं लोगों के ऊपर बगैर बात बोझ बनना नहीं चाहता। अब सवाल ये है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा के लोग नतीजों की जगह नाकामी क्यों गिना रहे हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलने में मशहूर नेताजी का कहीं ये कोई दूसरा पैंतरा तो नहीं? सांसद जी, ये लोकतंत्र है, इसे मजाक मत बनाइए। अगर आपको अब सत्ता सुख भोग कर ये लगने लगा है कि आप तो सांसद बनने के लायक ही नहीं हैं, तो धर्मवीर जी आपको सबसे पहले उस जनता जनार्दन से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए जिसने बहुत उम्मीदों से आपको चुना था। फिर सांसद रहते हुए आपने जितनी सुविधाएं और धन कमाया है उसकी पाई पाई चुकानी चाहिए, और तुरंत प्रभाव से सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कोई ऊर्जावान सांसद चुनकर आए और क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों को गति दे पाए। अगर सांसद धर्मवीर ये करने में असमर्थ हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए और इन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आइए जान लेते हैं सांसद धर्मवीर का इतिहास भी। 90 के दशक के आसपास ही तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर T.N. शेषन ने सांसद धर्मवीर को लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया था। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया था कि धर्मवीर के चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा देनी चाहिए। शेषन ने बकायदा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इन सब बातों से आगाह कराया था। अगर शेषन की इस सिफारिश पर अमल किया गया होता तो आज भिवानी की जनता खुद को यूं ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही होती। केंद्र सरकार से लेकर सांसद तक ये खुल्लम खुल्ला मान रहे हैं कि हम जनता के वादे पर खरे नहीं उतर पाए। कहीं मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं तो कहीं सांसद ही चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। वो शायद भूल रहे हैं कि चुनाव काम दिखाकर जीता जाता है, नाकामी को ढकने की कोशिश करके नहीं, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है।